हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है ये जान लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि जब हम किसी वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, यानी रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं एक तरह से, कि जैसे मान लीजिए किसी दूसरे की वैल्यू किसी दूसरे में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर से मतलब है असाइनमेंट। सबसे पहले समझिए असाइन करना क्या होता है। असाइन यानी बदलाव कह सकते हैं, बदलना कह सकते हैं। ठीक, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे पहले हमने डिक्लेयर किया ए इज इक्वल 5। ठीक, ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। फिर हम यही रिप्लेस करते हैं बी इज 5, बी इज ए, बी इज ए। तो सबसे पहले 5 जो वैल्यू है वो कहाँ असाइन हो रही है, ए में हो रही है। ठीक, और फिर जब हम ये दूसरी बार कर रहे हैं बी इज ए, यानी ए की जो वैल्यू है वो बी में असाइन होती है। ये हमेशा राइट साइड के वेरिएबल या वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे हमने बताया अभी कि ए इज 5, यहाँ पे इज इक्वल नहीं बोलते, ऑपरेटर होता है इक्वल चिन्ह का है, लेकिन उसे इक्वल नहीं बोलते हम यहाँ पे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वैल्यू असाइन करना है तो कैसे करते हैं, जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सारे यूज हम कर सकते हैं। ठीक, हम कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। वैसे तो इसमें होता है ए प्लस इज 1, यानी ए को पहले प्लस करो 1 में, फिर इसके बाद इक्वल करो ए में। ठीक, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल या इज इक्वल, वहां पे चिन्ह होता है इक्वल का, ए ए और 1 के बीच में प्लस और इक्वल का चिन्ह होता है, इसे हम बोलते हैं ए प्लस इक्वल इज 1। ठीक, तो इसे हम एक तरह से लिख सकते हैं ए इज ए प्लस 1, ए इज ए प्लस 1, मतलब ए में जो वैल्यू जाएगी वो ए की वैल्यू और प्लस 1 होके आएगी। ठीक, तो इसी तरह से सबस्ट्रैक्शन का हो सकता है, ए माइनस या सबस्ट्रैक्शन इज 1। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, ए इज ए माइनस 1, ए इज ए मल्टीप्लीकेशन 1, ए इज ए डिवीजन 1, ए इज ए मॉड्यूलो बी। तो इसी तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर में एरिथमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन को भी व्यक्त कर सकते हैं, और असाइन यानी असाइन वैल्यू को भी कहते हैं। मतलब असाइन का मतलब किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को खुद किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना। तो हम कह सकते हैं किस तरह से, ए इज ए प्लस 1 या ए इज 5, ए इज, या इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, ए होल्ड्स 5। ठीक, तो इसे ए इज इक्वल 5 बोलना गलत होगा, ए इज 5 बोलेंगे तो सही, क्योंकि ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 की बराबर, या ए इज बी बोल सकते हैं, मतलब ए क्या, ए की वैल्यू क्या है, जो बी की वैल्यू है। ठीक, तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो तब तक के लिए आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।